वर्ष 2015 में एक मुस्लिम देश में एक पुराने क्षतिग्रस्त हिंदू मंदिर की खुदाई हो रही थी और वहां पर एक ऐसा शिवलिंग मिलता है जो कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरानी में डाल देता है। देश विदेश के पुरातत्वविद उस शिवलिंग की जांच के लिए आते हैं। बाकायदा वहां की सरकार द्वारा इस शिवलिंग की जांच के लिए एक कमेटी गठित की जाती है, जिस कमेटी का कार्य इतना था कि वह शिवलिंग के रहस्य का पता लगाए। आखिर क्या था उस शिवलिंग में जिसने उस मुस्लिम देश की सरकार तक को अचरज में डाल दिया, जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। हमारे भारत का इतिहास और सीमाएं आज की उतनी संकुचित कभी नहीं थी। यही कारण है कि इंडोनेशिया ही नहीं, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड आदि तमाम देशों में आज भी हमारी संस्कृति से जुड़े प्रमाण मिलते ही रहते हैं। भारत का इतिहास बेहद स्वर्णिम इतिहास था, लेकिन तमाम लोग आज भी इस इतिहास से अनभिज्ञ हैं। यह इतिहास प्रत्येक भारतीय को अवश्य जानना चाहिए, जिसको बताना इस वीडियो में संभव नहीं होगा। लेकिन यदि आप अपने इस प्राचीन भारत के स्वर्णिम इतिहास को अच्छे से जानना चाहते हैं, तो मैं निश्चित रूप से आपको कुकू FM पर ए हिस्ट्री ऑफ एंशंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया की बुक समरी सुनने का सुझाव दूंगा, जो कि बेहद दिलचस्प और गर्वित कर देने वाला है। इस प्लेटफॉर्म की कॉस्ट एक साल के लिए 399 रुपए होती है, लेकिन अभी 22 से 28 फरवरी तक कुकू FM पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें आप यदि यह कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको यह सिर्फ 199 रुपए में पड़ेगा। यानी कि जितने में आपको एक बुक भी नहीं मिलती, उतने में आपको पूरी लाइब्रेरी मिलेगी। कुकू FM एक बेहतरीन ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको ऐसी ही और भी बहुत सारी नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स, बायोग्राफीज मिलेंगी, जो कि कई भाषाओं में उपलब्ध है। तो जल्दी करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लौट के आते हैं वीडियो पर। मित्रों, भारत से 9000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक देश जिसका नाम है इंडोनेशिया। यह देश बेहद रहस्यों से भरा पड़ा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश है और यहाँ की 80% से अधिक की आबादी मुस्लिम है, लेकिन वह फिर भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यहीं पर एक मंदिर स्थित है जिसका नाम है कंडी सुकूह। कहा जाता है कि इंडोनेशिया में इस्लाम के प्रभाव से पूर्व बना यह अंतिम मंदिर है। इंडोनेशिया के मुख्य जावा आइलैंड के बीच मौजूद इस मंदिर का काफी हिस्सा ध्वस्त हो चुका है, लेकिन जो हिस्सा बचा है वो काफी सुंदर और बरसों पुरानी कला को दर्शाता है। दोस्तों, इस मंदिर में जहां तक निगाह जाती है वहां तक प्रतिमाएं ही प्रतिमाएं नजर आती हैं। इसमें भगवान शिव और महाभारत काल से जुड़ी कई कलाकृतियां मौजूद हैं। भीम, अर्जुन और शिव की पूजा करती हुई श्री गणेश की कई कलाकृतियां देखी जा सकती हैं। यहां पर हिंदू धर्म और भगवान शिव के अखंड प्रमाण मिलते हैं, इसी कारण ये मंदिर काफी महत्वपूर्ण है। और जब इस मंदिर की खुदाई शुरू हुई तो जिस तरह की कलाकृतियां जमीन के ऊपर थी, वैसी ही कुछ कलाकृतियां जमीन के अंदर भी दिखाई दी। मित्रों, यहां पर जब खुदाई हो रही थी तो इस मंदिर के नीचे एक ऐसा शिवलिंग मिला जो कि क्रिस्टल से बना हुआ था। जब यह शिवलिंग पहली बार सबके सामने आया तो इसने पुरातत्वविदों को भी हैरान कर दिया। देखने में यह खूबसूरत क्रिस्टल शिवलिंग अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। मित्रों, जब इस मंदिर की खुदाई हो रही थी तो इसके नीचे तमाम जार मिले, कई प्रकार के बर्तन और सिक्के मिले, और जिस बर्तन में यह शिवलिंग पाया गया है वह भी उन्हीं जारों में से एक है। इसके नीचे का हिस्सा कांसे का बना हुआ है और इसे मंदिर के अंदर एक पीतल के बर्तन में सहेज कर रखा गया था। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह शिवलिंग लाखों साल पुराना है, जो कि मंदिर के नीचे दफन था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह कि शिवलिंग के अंदर जल भरा हुआ जो सदियां बीत जाने के बाद भी नहीं सूखा। दोस्तों, क्रिस्टल का यह शिवलिंग मंदिर में खुदाई के दौरान मिला है। वैज्ञानिक हैरान है, आखिर सदियां बीत जाने के बाद इसके अंदर मौजूद जल सूखा क्यों नहीं। हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर आस्था का यह शिवलिंग सीधे तौर पर विज्ञान और वैज्ञानिकों को चुनौती देता है, क्योंकि अगर आज हम किसी भी बर्तन में पानी रखें तो सदियां तो दूर महीने भर में सूख जाता है, लेकिन इस शिवलिंग में भरा पानी जैसा था सदियां गुजरने के बाद भी वैसा ही है। वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, इस शिवलिंग के अंदर जो तरल पदार्थ भरा है उसको लेकर इंडोनेशिया के जावा द्वीप के स्थानीय लोगों का मानना है कि यह तरल पदार्थ एक पवित्र दैवीय द्रव है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि शिवलिंग में अमृत भरा है जो कि समुद्र मंथन के वक्त निकला था। कई साल बीत गए हैं, 2015 से अब 2022 आ चुका है, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे। पुरातत्वविद तथा वैज्ञानिक कहते हैं कि शिवलिंग में ना सूखने वाले या तरल पानी के पीछे कोई ठोस कारण हो सकता है, लेकिन वह कारण क्या है यह
वैज्ञानिकों को भी नहीं पता। दोस्तों इंडोनेशिया की सरकार ने इसकी जांच के लिए एक टीम गठित की थी। दोस्तों हम तो यह सभी जानते हैं कि इंडोनेशिया एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच इंडोनेशिया में हिंदू धर्म खूब फला फूला। इंडोनेशिया में अभी भी धरती के अंदर से कई पुराने मंदिर निकलते ही रहते हैं। इनमें से ज्यादातर मंदिर मध्य इस्लामिक काल के दौरान नष्ट कर दिए गए थे या उनको भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। यह मंदिर भी उन्हीं में से एक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।